टुडे आई एम रियली ऑनर्ड, एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ एंड माशाल्लाह काफ़ी टाइम से हम उन्हें बुलाना चाह रहे थे लेकिन कोई सेटिंग नहीं हो रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह गुड कि आज हमारी सेटिंग हो गई एंड इट इज़ नन अदर देन अरसलान भाई हु इज़ रनिंग माशाल्लाह नसीहा इंस्टीट्यूट एंड यू ऑल नो हिम। ही इज़ बिन अटैच विद यूथ अ लॉट एंड माशाल्लाह टीचिंग में भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्कूल्स के साथ भी अटैच्ड हैं। इनका एक एक्सपोजर है यूथ को लेके, एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। आई विल बी आस्किंग हिम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्लिप्स ऑफ यूथ, रिगार्डिंग टीनेज मिस्टेक्स एटसेट्रा एंड व्हाट हाउ कैन टीनेजर्स यू नो लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड स्पेंड अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ। सो विदाउट फर्दर डिले अरसलान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह फॉर जॉइनिंग अरसलान भाई, हम काफ़ी अरसे से आपको पता है आपके पीछे पड़े हुए थे। JazakAllah khair for inviting me and I'm very honored I must say to be here and also to mashallah see the setup. ठीक है, मैंने तस्वीरों में videos में because मैं आपके programs देख रहा होता हूँ honestly देखा था, but इतना ज़बरदस्त setup envision नहीं किया था team से मिलके, सब कुछ देख के खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। And it's a great honor to see all of you put in such wonderful effort. बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। अरसलान भाई, as I mentioned कि माशाल्लाह आपका एक experience है, you like there have been many years that you are in touch with youth, आते होंगे आपके पास, डिस्कशंस भी करते होंगे और वैसे भी आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो करेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट टीनेज, लाइक 15 टू आप कह लें 20 ईयर बड़े क्रिटिकल होते हैं एंड डू यू थिंक के हमारे जो करंट यूथ है, लेट मी आस्क दिस स्ट्रेट टू यू, आइडेंटिटी क्राइसिस इशू है यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग, आपने सीधा ही कह दिया। बिफोर यू वर स्पीकिंग आई वाज थिंकिंग दैट आई विल से दैट द फंडामेंटल प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ द फैक्ट कि देर इज़ अ मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारी नौजवानों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, व्हाट इज़ द पाथ दैट दे आर फॉलोइंग। ठीक है, व्हाट इज़ इट मीन टू बी अ मुस्लिम, व्हाट इज़ इट मीन टू बी अ ह्यूमन इवन इन फैक्ट एट सर्टेन टाइम्स, एंड दैट्स समथिंग दैट उनकी फिर रोज़मर्रा जिंदगी में रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें नज़र आता है। एंड देन अनफॉर्चुनेटली ये अलमिया आपको बाकी माशरे में भी नजर आता है, बट देन बिकॉज ये एज की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है और इस पे रेगुलेशंस भी होती हैं, तवक्कुआत भी होती हैं, एंड आप एडोलेसेंस से यूथ और यूथ से एडल्टहुड की तरफ जब ट्रांजिशन कर रहे हो तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीजें। सो आइडेंटिटी क्राइसिस इज यस मेजर, ठीक है, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। एंड मैं ये कहूँगा कि शेख वो हमारे यहाँ बिकॉज एक बाइफर्केशन है कि हम दीन और दुनिया को अलग अलग लेते हैं, क्योंकि इन एसेंस तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है, और तो दीन और दुनिया के लफ्ज़ भी अगर इस्तेमाल किए जाएं तो दोनों जगह आइडेंटिटी क्राइसिस है। सही, 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 कि उसमें क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना, रिलीजन का क्या तकाजा है, मेरी असरी दुनिया का क्या तकाजा है, जो मुझे भी नहीं पता, विच फर्दर वर्सन्स थिंग्स। अरसलान भाई, वी बीन थ्रू टीनेज एज वेल ऑब्वियसली, और हमने स्कूलिंग का टाइम गुजारा, उसमें बड़ी शरारतें भी की, कुछ मिस्टेक्स भी की। कंपेयर्ड विद आवर टाइम, क्या ये चीज़ बढ़ गई है? आइडेंटिटी क्राइसिस हमें भी थी, जाहिर है, वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉलीवुड बॉलीवुड, तो वी वर कन्फ्यूज बिटवीन टू कल्चर्स, तो ये चीज़ बढ़ गई है या वही चीज़ है जो पहले? अरे भाई, डेफिनेटली बढ़ गई है। और उस बढ़ने के पीछे देखिए, आई थिंक एक वजह यह है कि आप और मैं, यानी मैं तो पुराने ज़माने का ही अपने आप को समझता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम 35, तो 15-20 साल पुराने की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 decades। सही। एंड इन दैट टाइम एक चीज़ जो चेंज हुई अमंगस्ट अदर्स इज द फैक्ट कि सोसाइटी में जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही, सही। यू यूज टू हैव एक्सट्रीमली दीनदार पीपल एट वन पॉइंट इन टाइम, बहुत मॉडर्न लिबरल भी होते थे, बट ये दोनों फ्रैगमेंट्स बड़ी माइनॉरिटी में थे। तो जिसको हम कहते हैं ना, शायद आप रिलेट कर पाएं कि सीधे साधे लोग, बीच के चंद नमाजें पढ़ ली, कुछ माँ बाप की भी सुन ली गली में, वो वाला तो तबका खत्म हो गया, बिकॉज देयर इज पुल टूवर्ड्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब वो पॉजिटिव साइड पे जाता है तो बहुत अच्छा नजर आता है, बट नेगेटिविटी की तरफ जो पुल है वो एक बहुत सिवियर है। एंड मैं एक बस बात ऐड करूंगा, हम अक्सर जब दोस्त बैठे होते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक वो नहीं है, तो एक बड़ी डिबेट होती है कन्वेंशनल स्कूल्स, इस्लामिक स्कूल्स, होम स्कूलिंग भी अब एक तीसरा जो है ना वो है, तो वो जो लोग इस्लामिक स्कूल्स में नहीं भेज रहे वो कहते नहीं यार, हम भी तो अपने जमाने में जो है ना ऐसे ही थे, फिर ठीक हो गया सब कुछ। मेरा उनसे एक आर्ग्यूमेंट ये होता है, क्योंकि इस्लामिक स्कूल के भी चैलेंजेस हैं कि खराब होने की डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है। 15 साल पहले खराब की क्या डेफिनेशन थी और आज खराब की क्या डेफिनेशन है, इट इज एक्सपोनेंशियली यानी चेंज्ड इन एवरी सेंस। आप और मैं जब स्कूल जाते, मुझे तो ड्रग्स का कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, एंड ड्रग्स हैव देयर ओन वन,
a lot of other things. यानी मैं YouTube पे नहीं पैदा हुआ, मैं Instagram पे नहीं पैदा हुआ, and it has its challenges. So I think that's like a major thing जिसको हमें consider करना है. आपने कहा exponentially increase हो चुके हैं chances. True that, बल्कि मैं अक्सर parents कहता हूँ कि अभी तो हम आपको बता दें कि your teens they are involved in what things, तो शायद आपको ला माफ करे heart attack हो जाए. अकेले उनके पास access अगर है हर चीज का, अकेला room है, बड़ा मुश्किल है उनके लिए मतलब बचना. वी नॉट एक्चुअली हेल्पिंग देम. अरसलान भाई, चलें ये तो हमने एग्री किया आइडेंटिटी क्राइसिस भी बढ़ गया है, बट व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस? एक तो चलें दे आर एक्सपोज टू ग्लोबलाइजेशन, ये जो ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है, दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर्स, उससे भी कन्फ्यूजन आ रही होगी. लेकिन वैसे ओवरऑल आपने क्या देखा है कि कहीं हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, मतलब हमारे कल्चर में कोई, या हमारी टीचिंग में, या एम्पैथी की कमी है वगैरह वगैरह, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा? आई थिंक यानी इसमें तो आई वुड आल्सो वांट टू हियर फ्रॉम यू, बट आई वुड से कि इफ़ यू वांट टू बिगिन इन द सेंस ऑफ यू नो मेकिंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, तो जैसे कहते हैं ना अपने गिरेबान में देखना चाहिए. सही, तो सही. मैं ये कहूँगा कि हाँ डेफिनेटली, मैं तो हमेशा कहूँगा कि हमारी तरफ से कमी है. ठीक है, एंड हमारी तरफ से कमी, एक जुमला मैं ऐसे कहता हूँ कि आई थिंक इंक्रीजिंगली अ लॉट ऑफ अस, ठीक है, हैव फेल्ड टू मेक रिलीजन रिलेटेबल फॉर देम. ठीक है, यानी ये जो लोग एपेथेटिक होते चले जा रहे हैं, जिसका फंडामेंटल प्रेमिस ये है कि यार मुझे तो खुदा की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती अपनी ज़िंदगी में. ठीक है, मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, बट अगर मैं देखूँ तो उसका ताल्लुक मटीरियलिज्म से, बट मज़हब की जो ज़रूरत थी वो लोगों को महसूस नहीं हो रही, उसमें हमारी भी कुछ कमी है. एंड अगेन नॉट टू से इट ऑन योर फेस, बट ये सेटअप कितने लोगों को पता है एग्जिस्ट करता है. ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपसे दोस्ती भी कर रहे हैं, आपके साथ बाइक्स पर भी निकल जाएंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, जज नहीं करेंगे. क्या पाकिस्तान में इस वक्त हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स के बच्चों की को पता है कि ऐसा एग्जिस्ट करता है? आई थिंक 1% को भी नहीं पता होगा. दे थिंक कि उनके नज़दीक रिलीजन मौलाना मुल्ला उलमा का एक ही तसव्वुर है कि जहन्नुम रसीद कर देंगे, वो कर देंगे. तो एक तो हमारे पार्ट से डेफिनेटली ये कमी है, एंड इस पर अब अल्हम्दुलिल्लाह काम हो भी रहा है, इदारे भी आ रहे हैं, इवन उलमा हर मकतबा फिक्र से फिक्रमंद है. बट आई थिंक दैट्स समथिंग जिसको हमें पुश करना ही करना है, टू टेल देम दैट दिस इज़ द रिलीजन ऑफ मर्सी, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ गेट दैट विल बी ओपन्ड अप फॉर यू. जब अल्लाह आपको मौका दे रहे हैं तो कौन आपको दूर कर सकता है? ट्रू दैट अरसलान भाई, मैं समझता हूँ पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में एक ना इशू आ रहा है कि इन बच्चों के चैलेंजेस दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, इन पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जाहिर है जो फितना चल रहे हैं, और फिर हमारी तरफ से भी एम्पथी की कमी. मैं समझता हूँ कि वाइल टीचिंग देम वी शुड अंडरस्टैंड कि इनको इस्लाम वैसे पता नहीं है फिलहाल, तो मे बी दे कैन आस्क सम क्वेश्चन जो हमें लगे ऑफेंसिव हैं, लेकिन ये कि वी नो के वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, तो थोड़ा सा हमारी तरफ से एम्पथी भी आनी चाहिए. Allah, Allah, Allah.